आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि IOC स्टॉक में आपको बोनस कब मिलेगा, मिला कि नहीं, और इसके ट्रेंड टेक्निकल क्या लग रहे हैं। तो आई होप कि अब तक बोनस नहीं मिला होगा और अप्रॉक्सीमेटली मंडे ट्यूसडे तक जो है श्योरली जो भी बोनस आपके होंगे वो श्योरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस समय डिलीवरी देखिए तो अराउंड 50% तक की डिलीवरी कंटिन्यूस दिख रही है और स्टॉक लगभग पिछले 6 महीने से डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एक अच्छी खबर जो मैं आपको बताता हूं, जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग करना चाहते हैं, अगर इस स्टॉक के डिविडेंड के बारे में आपको भी पता होगा, लगभग 2021 से देखें तो इस स्टॉक ने क्यूमुलेटिव डिविडेंड अराउंड 240 रुपया पर शेयर दिया है और उस समय प्राइस भी अराउंड 40 के से कम ही हुआ करता था। मतलब कि 6 टाइम तो इसने डिविडेंड ही दे दिए, मतलब पिछले 20 साल में। तो डिविडेंड के पर्पज़ से आप चाहें तो श्योरली एक गुड स्टॉक है फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर डिविडेंड के पर्पज़ से आपने निवेश करना है तो। दूसरी बात, हर दिन देखें तो लगभग 76 के हाईज बनाने के बाद स्टॉक कंटिन्यूस जो है लोअर लो के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और 72 के नीचे के क्लोजिंग इस स्टॉक में पहला जो सपोर्ट इसके बाद दिखता है 69 के आसपास का, और उसके बाद ही इस स्टॉक में एक डायरेक्टली फेल आ सकता है 52-55 तक के लेवल के, क्योंकि जब बोनस क्रेडिट होंगे लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी और स्टॉक में गिरावट दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो भी इस स्टॉक में ऑप्शन के थ्रू या फिर कैश के थ्रू ह्यूज क्वांटिटी लेकर के बाइंग कर रहे हैं तो उनको 69 के स्टॉप लॉस को श्योरली फॉलो करना चाहिए। 69 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में